कोविड-19 ये कोरोना महामारी सारी दुनिया में चल रही है। लुधियाना शहर में भी इस महामारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और इस समय हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में खड़े हैं, जहाँ पर बहुत ही कम एडवोकेट्स प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं और बहुत ही कम कोर्ट जो हैं इस समय लग रही हैं और जो एप्लीकेंट हैं, पिटिशनर हैं, बहुत लोग कम आ रहे हैं। तो इस महामारी में हर इंसान यही चाहता है कि उसकी जान बचे, उसे कोई तरह किसी तरह की बीमारी ना हो। जिस जगह पर जब बीमारी फैल चुकी है वहाँ पर लोगों में बहुत ही त्राहिमान बचा हुआ है और हमारी सरकार के जितना हर संभव प्रयास हो सकता है वो लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं। तो एडवोकेट्स कुछ कहते हैं कि यहाँ पर डिजिटल इलेक्शन होने चाहिए। डिजिटल ठीक है, डिजिटल जो है टाइम है, समय अगर हम पुराने वही कागजों पर लिखते रहेंगे, वही पढ़ते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय लड़ाई का, काम करने का, जीने का हर तरह का तरीका जो है ऑनलाइन या टेक्निकल हो चुका है। तो इसके बारे हम बात करते हैं जुगेश खन्ना जी, जो हमारे सामने खड़े हैं, ये हमें बताएंगे कि ये डिजिटल एक्शन के बारे में उनका क्या कहना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में खड़े हैं और हमारे साथ जहाँ पर सीनियर एडवोकेट हैं जुगेश खन्ना जी। जुगेश खन्ना जी, आपने हमें बताया कि जहाँ पर इलेक्शन है, इलेक्शन चलने की हमें थोड़ी सी खुशखसाहट सी आई कि जहाँ पर कुछ होने जा रहा है ऑनलाइन डिजिटल, तो आप बताइए जी क्या हो रहा है जहाँ पर, ये इलेक्शन हो रहे हैं या कुछ वैसे प्रोपोगंडा चल रहा है? देखो, हम इसको प्रोपोगंडा नहीं कह सकते, समय के अनुसार जैसे देखो नीड है कि डिजिटल होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन इस टाइम ये थोड़ा सा हमें अटपटा लगता है जी, बिकॉज हजे तक साड़ी जड़ी ई फाइलिंग है या ई कोर्ट्स है, हजे साडे वकील साहब उन्हें तो चंगी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए कि उतनी अपना पुराने जमाने वाकई नहीं जाने के? नहीं नहीं, मैं डिनाइड इस चीज़ के खिलाफ नहीं है जी, मैं नवी टेक्नोलॉजी की फेवर से हैगा, मैं आई एम इन द फेवर ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी की जी, वर्चुअल जिम्मे कोर्ट स्टार्ट हुई है, ई फाइलिंग है, ई इलेक्शन भी होने चाहिए, बट ई इलेक्शन जो इस टाइम के अथेंटिसिटी स्क्यूटनाइज की चीज़ है सर? देखो, वंस आई कास्ट द वोट, जोड़ा सॉफ्टवेयर ड्रिवन चीज़ है जी, जी मैं कोई भी चीज़ फिल कराँगा, जो मेन सर्वर है जी उत्थे हाईलाइट होगी, तो जी जे कोई कोई प्रेजिडेंट की वोट है, कोई सैक्टर की वोट है, वो ऑलरेडी उत्थे प्ली आ जाएगा जी कि फलाने बंद ने फलाने कास्ट की है जी। एटलीस्ट बैलेट पेपर से यह चीज़ ओपन नहीं होंगी, बैलेट पेपर के हमेशा हाइड रह जाती सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट हैगा वह जो एज पर जी वोट है, एक वोट बड़ी प्रीशियस थिंग है सर, वोट पाना ही हर बंद का राइट है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, लेकिन उन्होंने एवं ना करो कि ऑल सडन तुम एकदम इंप्लीमेंट कर दो, मैं ये खिलाफ नहीं है जी, बट आई एम नॉट इन हरी पोजिशन, बैटर है जी जी साड़ी संस्था कोई भी जी बार कौंसल पंजाब है या साड़ी हैगी साड़ी जी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी है इनू ही एक्सटेंशन दे आर डूइंग वैल, ठीक है जी, और अच्छा काम करे जी, ड्यूरिंग जी कोरोना के जे लॉकडाउन के काफ़ी किया जी, इन्हों बजाय कि इलेक्शन तुम करो जी नवी जी चीज़ सरकार आएगी, पहली गल तो उन्होंने 3-4-6 महीने वही हैंडओवर लग जाना जी, ये ऑलरेडी दे आर डूइंग की हैगी, ऑलरेडी सरकार नाल तालमेल बैठा हुआ, जिहड़ी वकील दी प्रॉब्लम्स है इन्हां नूं सारी एप्लीकेशन जा रही है, कोई फाइनैशियल एड्स है या कोई फाइनैशियल किसी सपोर्ट है या कोई होर मैडिकल किसी की रिक्वायरमेंट हैगी वा, तो वो असीं तां ये चाहवांगे जी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए बेसिकली, आई एम इन फेवर ऑफ एक्सटेंशन रैदर दैन टू इंप्लीमेंट, बट आई एम डेफिनेटली वर्चुअल जी कोर्ट्स है या वर्चुअल ऑनलाइन वोटिंग है, इट शुड भी हैपन होनी चाहिए वा, बट प्रॉपर इन ट्रेनिंग होवे सर, विदाउट ट्रेनिंग किसी को पता ही नहीं जी तुम किस किस पैटर्न करते, दैट इज अनरीजनेबल। ट्रेनिंग कैंप पहले लगना चाहिए, ट्रेनिंग सेमिनार वगैरह नहीं, ट्रेनिंग है या कुछ भी वर्चुअल जिम्मे ई ई फाइलिंग है, कुछ ट्रेनिंग दिखाओ दसो कि हाँ भी जी जी ऑनलाइन वोटिंग है ये चीज़ा आन गई हैं, ये मैरिट्स ये डीमेरिट से है या ये थोड़ा टैक्नीकल प्रॉब्लम्स ये आ सकती हैं, जो नवी टैक्नोलॉजी जो तुम अडोप्ट करते हो तो थोड़ा ये बेनीफिट मिलने, यानी जी एक फेयर होंगे ना, एक आम जो वोटर है उन्होंने पता हो यार मैं जो वोट पा जा रहा तो मेरी वोट जी जेन्युइन होगी, वो एक प्रॉपर एग्जीक्यूट होएगी बेसिकली, ये है जी सर। तो ये थे जुगेश खन्ना जिन्होंने हमें बताया कि ऐसे वोट होने चाहिए, डिजिटल जो टाइम है पीरियड है और इसमें ऐसी वोटें होनी चाहिए, और जैसा कि आपने देखा कि जुगेश खन्ना जी ने बताया कि डिजिटल इलेक्शन के क्या फ़ायदे और क्या होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो इन्होंने अपने हिसाब से अपने सोच से जैसे सभी कुछ बताया। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।